नमस्कार दोस्तों, ऑल इन वन देसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड रिगार्डिंग वीडियोस और ग्रो ऐप रिगार्डिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो बहुत सा इंपॉर्टेंस वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी मौजूद है। आप चाहे तो वो वीडियोस देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। उसके लिए वीडियो का डायना तब जो पॉपअप जा रहा है उसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं, मगर वीडियो ख़त्म होने के बाद इस सेशन में आपको आके पॉपअप में क्लिक करना होगा। आज के इस वीडियो में आपको कुछ यूनिक, कुछ एडवांस तरीका बताऊँगा जो शेयर आपने बाय किए हैं उस शेयर को आप कैसे सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको पहले ग्रो ऐप को ओपन करने होगा। ग्रो ऐप को ओपन करने के बाद आ जाने होगा डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको क्लिक करना होगा स्टॉक में। अगर आप स्टॉक सेल करना चाहते हो तो स्टॉक में क्लिक करने होगा। तो चलिए स्टॉक में क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक कर देने के बाद जिस भी शेयर को आप सेल करना चाहते हैं उस शेयर पे आपको क्लिक करने होगा। जब भी आप सिंगल टैप करेंगे तो आपका कितना शेयर अभी मौजूद है वो दिखाई मिलेगा, और इसका जब आप खरीदे थे उसका कितना वैल्यू था ये दिखाई मिलेगा, और अभी इसका शेयर का कितना वैल्यू है वो आपको दिखाई मिलेगा। यह पर जो वैल्यू दिखाता है दोस्तों, ये पर शेयर का दिखाता है। और आप टोटल शेयर का देखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा ऊपर आने होगा। ऊपर आने के बाद जो थ्री लाइन ऑप्शन आपको दिखाई मिल रहा है उसमें आपको क्लिक करने होगा। क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करने होगा करंट वैल्यू के ऊपर। करंट वैल्यू के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे उस शेयर का, जो कि मेरा एक शेयर है इसीलिए मेरा दिखा रहा, जो मैंने शेयर खरीदा था उसका अभी वैल्यू है 24.40 रुपीज़, ठीक है। और अगर परसेंटेज में आप देखना चाहते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, उसके लिए आपको ऊपर में जो थ्री लाइन ऑप्शन दिखा मिल रहा है उसमें आपको क्लिक करना है, और आपको क्लिक करना है रिटर्न में। रिटर्न में आप जब भी क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे जो आपका परसेंटेज है वो आपको दिखाई मिल रहा है 409.39। तो अब दिखाता हूँ क्या कैसे आपको वो शेयर सेल करना है। उसके लिए आपको सिंगल टैप करना है उस शेयर के ऊपर, जैसे कि मैं इसको सेल करना चाहता हूं, तो चलिए सिंगल टैप कर रहा हूं। मैंने 100 शेयर बाय किया था, मैं 99 शेयर सेल कर दिया हूं, एक रखा हूं आपको डेमो दिखाने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको सेल में क्लिक करना है, तो चलिए सेल में क्लिक करते हैं। जब भी आप सेल में क्लिक करेंगे तो यहाँ में आपका अभी जो मार्केट प्राइस है वो आपको दिखाई मिल रहा होगा, और यहाँ पर आपको देने होगा कितना शेयर आप सेल करना चाहते हैं। नंबर ऑफ शेयर मतलब शेयर क्वांटिटी, कितना शेयर आप सेल करना चाहते हैं, और आपका पास अभी कितना अवेलेबल है वो आपको इस सेक्शन में दिखाई मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप जो नॉर्मल पर्सन होता है जिनको ग्रो ऐप में ज़्यादा जानकारी नहीं है वो ऐसे ही शेयर सेल करता है, सिंपली आपको वेरीफाई सेल में क्लिक करने होता है और आपका एक टी पिन देने होता है, और OTP देने के बाद वो शेयर सेल हो जाता है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि नहीं इस शेयर का वैल्यू और भी बढ़ सकता है, मैं एक ट्रिगर ऐड कर दूंगा कि ये जो 24.40 पैसा है ये अगर 24.30 होगा या फिर उसका नीचे होगा तभी ये शेयर सेल होगा। इसके लिए आपको एडवांस ऑप्शन में क्लिक करना होगा। एडवांस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको सेल ऑर्डर में क्लिक करने होगा। सेल ऑर्डर में क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक करने होगा। कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिंगल टैप करना है, और आप जो वैल्यू ऐड करना चाहते हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं, मगर जब भी ऐड करेंगे कुछ नंबर ऐड करने के बाद आपका सामने में एक नोटिफिकेशन आ रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ट्रिगर प्राइस शुड बी बिटवीन, मतलब कि जो अभी आपका मार्केट प्राइस चल रहा है शेयर का उसका कम आपको वैल्यू देने होगा, जो कि होगा 22.1 से लेकर 24.4 तक आपको देने होगा, ठीक है। तो मैं देना चाहता हूँ सपोज 24.30, ठीक है। अब मुझे क्लिक करना है वेरीफाई सेल ऑप्शन। दोस्तों, इसका देने का मतलब है इसका नीचे अगर प्राइस ऐड होगा या फिर ये वैल्यू आएगा तो ये मेरा जो शेयर है ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वेरीफाई सेल ऑप्शन में क्लिक करते हैं। चलिए वेरीफाई सेल ऑप्शन में जब भी क्लिक करूंगा तो वेरीफाई यूजिंग टी पिन में क्लिक करने होगा। जब भी आप वेरीफाई यूजिंग टी पिन में क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर ईमेल एड्रेस है उसमें एक आपका टी पिन ऑलरेडी मौजूद है, उसको देखने के लिए क्या करना होगा, आपका जो मेल है उस मेल को पहले आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपका
मेल में तो बहुत सारा मेल मौजूद होगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है टी पिन। दोस्तों टी पिन लिख के जब भी आप सर्च करेंगे तो cdslindia.co.in की तरफ से एक मेल आया होगा आपका बहुत दिन आगे, जिसका आपका सब्जेक्ट लाइन होगा टी पिन फॉर ऑनलाइन, उसी में आपको क्लिक करने होगा। वहाँ पर एक 6 डिजिट का टी पिन आपका मौजूद है, उस टी पिन ही को आपको दोस्तों यहाँ पर देने होगा। उसके बाद आपको वेरीफाई में क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं उस टी पिन को दे के वेरीफाई में क्लिक करता हूँ। जब भी वेरीफाई में क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस बार आपका पास एक मोबाइल नंबर पर रजिस्टर, जो ग्रो ऐप में रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर पर और रजिस्टर ईमेल एड्रेस पर आपका एक OTP जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर देने होगा और वेरीफाई में क्लिक करने होगा। तो चलिए मैं वेरीफाई में क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने वेरीफाई में क्लिक कर दिया है। उसके बाद सेल में क्लिक करना है। सेल में जब भी आप क्लिक करेंगे देखिए आपका सेल ऑर्डर प्लेस्ड हो गया। उसके बाद डन में क्लिक करना है, ठीक है। तो ये जो आपने अभी सेल किए हैं ये ऑटोमेटिक आपका सेल हो जाएगा, मगर इसका जो अमाउंट है दोस्तों ये आपका, सपोज़ आपका शेयर का वैल्यू है 100 रुपीज़, ये आपको 80 रुपीज़ इंस्टेंट आ जाता है, मगर जो 20% है वो आपका होल्ड में हो जाता है, जिसका आपका 48 आवर्स के अंदर वो आ जाता है। तो इसी तरह दोस्तों आप सेल कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, अब जब भी आप शेयर सेल करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, बाय करते हैं, तो क्या चार्जेस आपको ग्रो ऐप को देने होता है, उस रिगार्डिंग वीडियो में बनाऊंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।